हाय हाय, बरेली कॉलेज प्रबंधन हाय 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 हाय, बरेली कॉलेज मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज मैनेजमेंट मुर्दाबाद। नौकरी सर जमा करना पड़ती है 6335 कर्मचारी रहते थे, जिसमें इनको पीएनबी शिकार होते होते 175 कर्मचारी रहते थे और पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। इतना बड़ा कॉलेज है, कर्मचारियों को परेशान करना, और जब से सचिव देवमूर्ति बनी है, क्योंकि वो बरेली के पूंजीपति हैं और वो लगातार इस कॉलेज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। यहाँ से आप पहले बता दिए कि वेतन आपने ड्यू का रखा है वो तो दीजिए जी, 2 माह से अप्रैल और मई का कोशिश की बच्चे हमारी। हम बरेली कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी लगभग 170 की संख्या में हैं और पिछली बार यहाँ जो प्रबंधन के सचिव हैं उन्होंने एक गलत शासनादेश के तहत प्रस्ताव रख के 170 लोगों को सबको बाहर कर दिया था। हम लोगों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन किया और 1 जुलाई से लेकर के लगातार 18 जुलाई तक महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष को बंद कर दिया था, मेन गेट पे ताला डाल दिया था। तब जा कर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक हस्तक्षेप का पत्र यहाँ आया था, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। हम लोगों को सेवा पे बहाल किया गया था। उस समय भी प्रबंधन ये रो रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है। डीएम साहब ने जाँच कराई, हम लोग मंडला आयुक्त से मिले थे, कमिश्नर जो अभी पी वी जगनमोहन साहब हैं, तो उन्होंने कहा था कि बरेली कॉलेज के मामले की पूरी जाँच चल रही है फाइनेंस की और उसके बाद में आप लोगों को न्याय मिलेगा, हम जांच करा रहे हैं। मेरा ये पूछना है, वाजिब सा प्रश्न है कि जिला प्रशासन ने लगातार बरेली कॉलेज के प्रबंधन की फंड की जांच कराई, उसके बाद में इन अस्थायी कर्मचारियों को सेवा पे बहाली दिया गया और लिखित में पत्र दिया गया कि 31 मई तक आपकी सेवाएं हैं। इस बार ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि मार्च से बरेली कॉलेज के जो मुखिया हैं, बरेली कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो लगातार हमारे कर्मचारियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लगातार ये कहते हुए काम करा रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा, आप लोग काम करिए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने लिखित में बाकायदा सबकी सेवाएं समाप्त कर दी। ठेके पे लेने की बात है। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तरफ लिखित में आप 31 मार्च के बाद सेवाएं समाप्त कर देते हैं, दूसरी तरफ आपसे जब मिलते हैं आप कहते हैं डीएम से मिले, इसलिए हमने सेक्रेटरी साहब ने कह दिया है डीएम से मिल लो, अब तनख्वाह नहीं मिलेगी। अप्रैल की तनख्वाह के लिए सीधे सीधे प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। हम लोग पुनः 2 बार डीएम से मिले, हमने पत्र उत्तर दिए, तब जा करके अप्रैल की तनख्वाह दे दी गई। बड़ा जायज सी बात है कि लोकतंत्र में या पूरे देश के अंदर जो भी व्यवस्था चल रही है, क्या आप लिखित साक्ष्यों को साक्ष्य मानते हैं? अगर लिखित साक्ष्यों को साक्ष्य मानते हैं तो आप कलम फंसने का काम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप सेवा समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिना प्रबंधन की मीटिंग हुए सेवा बहाल नहीं हुई तो आपने वेतन कैसे दे दिया? और जब आपने वेतन दे दिया, जबकि आप कह रहे थे कि मार्च के बाद पैसा नहीं है कॉलेज के पास, 10 लाख रुपए केवल बचा है, तो अप्रैल की तनख्वाह कहाँ से दे दी? जब अप्रैल की दे दी तो अब मई की तनख्वाह देने में और जून की तनख्वाह देने में क्या दिक्कत है? अच्छा, जो ठेके की बात चल रही है उसका क्या मामला है? और जो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम लोग 61 लोगों को करीबन रखेंगे, वो भी एक आउटसोर्सिंग की कंपनी के माध्यम से। आउटसोर्सिंग का मतलब ये लोग नहीं जानते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है महाविद्यालय प्रबंधन के लोग। आउटसोर्सिंग सरकार उन लोगों को रखती है आउटसोर्सिंग पे जो यहाँ 4th क्लास के कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनके पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग पे लोगों को लगाएंगे, क्योंकि सरकार नए पदों की भर्ती नहीं कर रही है 4th क्लास में। अब यहाँ लगभग 40 लोग रिटायरमेंट हुए हैं, उन जगह पे आप 40 लोगों को आउटसोर्सिंग पे रखिए, शौक से रखिए, हम आपके साथ हैं, बढ़िया करिए, हम आपकी इस आदेश का भी तारीफ करते हैं, तालियाँ बजाएंगे। लेकिन इन कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होता। यहाँ पे वो शिक्षा अधिकारी जी के पास आए हैं क्योंकि बरेली कॉलेज में हम 235 कर्मचारी हुआ करते थे, जिसमें कॉलेज प्रबंधन का और कॉलेज प्रशासन का उत्पीड़न से अब 175 कर्मचारी रह गए हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए ये लोग उतारू हैं। हम लोग उस शिक्षा अधिकारी से मिलने आए हैं क्योंकि ये नियम जो ठेका प्रथा का है, ये नियम हम पे लागू होता है नहीं होता है, इस बारे में हम उस शिक्षा अधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि ये नियम वगैरह आपके ऊपर लागू नहीं होता है और हम इसकी जांच करवाएंगे, जो न्याय संगत बात होगी आप लोगों साथ में 100% हमारा समर्थन और सहयोग है और आपका कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका स्थायी कर्मचारी हैं, उनका उनको जो है कुछ कहीं पर सूचना मिली, उनको जो है हटाया जा रहा है। संदर्भ में अपनी लेटर इन लोगों ने दिया हुआ है और उसी के संदर्भ में कुछ लोगों का ये भी है कि 2-3 महीने से तनख्वाह मिली नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आश्वासन दिया और आपको मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ और पहले ये टर्म्स और कंडीशन देखते हैं कि उनकी नियुक्ति का प्रकार क्या रहा, क्योंकि जब तक नियुक्ति का प्रकार नहीं पता चलेगा तब तक कुछ चीज़ नहीं कह सकते। मैं जरा थोड़ा सा वार्ता कर लेता हूँ सेक्रेटरी महोदय से और संबंधित प्राचार्य महोदय से, उसके बाद में निर्णय होता है क्या होगा। और मैंने आश्वस्त किया कि जो भी होगा जो देर में काम करेगा, ऐसा वो नहीं, और बात कर लेते हैं।